ओके फ्रेंड्स, नमस्कार. वेलकम टू पीएमसी गुजरात. सो आई एम शिरी, जेमोलॉजिस्ट. लेट्स स्टार्ट अवर क्लास टुडे अबाउट डीएनए. ओके, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियर एसिड. ओके, सो दिस इज डीएनए. सोल इस धरती पे आती है, एक शरीर चाहिए, एक शरीर लेती है. सो ये शरीर जो हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू हमको जो मिल रही है, एक एक जनरेशन हम चेंज करते हुए, फिर एक 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 जनरेशन जो भी आगे चलती हुई आ रही है, सो हम हमारे एंसेस्टर्स की एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो भी उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में किया है, वो सारे चीजें हम एज ए बोनस टू द सोल एंड गिफ्ट टू द सोल हम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं. फिर इस पे दो तरीका है. एक, जो वंश में हम पैदा हुआ है वो लोग ज्ञानी हैं और नॉलेजेबल हैं और परफेक्ट लोग हैं, और किसी चीज के ऊपर उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किया है और मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और परफेक्ट लाइफ उन्होंने लीड किया है, तो हमको वो ही गिफ्ट मिलती है. और जिसको नॉलेज नहीं है, फिर वही लोअर डायमेंशन की बातें, लोअर डायमेंशन की जो काम है, और दारू पीना, झूठ बोलना, फिर किसी को चीटिंग करना, पैसा कमाना, और अपनी कई लोग अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं रख के फिर ये लोग पैसा कमाने में लग जाते हैं और कई तरीका की परेशानी है. फिर ऐसे जो करते रहते हैं, फिर नेक्स्ट जो जनरेशन पैदा होता है, फिर उन लोगों को प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, एनर्जी ब्लॉकेजेस ये आती रहती है. सो हम एक डाउन से डाउन पॉइंट से हम आज डीएनए को समझेंगे. डीएनए की रिलेटेड बहुत लंबी चैप्टर है. डॉक्टर जो देखते हैं डीएनए को, इससे भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ से हम डीएनए को एनालिसिस करने में बैठते हैं तो महीने सालों भी कम है. इतनी बड़ी एनालिसिस है डीएनए के ऊपर. सो फिर 1 आवर में हम जो सब्जेक्ट डिस्कस कर सकते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट, ये क्या है डीएनए? फिर फर्स्ट, कोई भी एंसेस्टर एक कुछ अच्छा काम किया है, ये पाप की, पुण्य की, ग्रह की, किसी भी इंसान की, किसी भी चीज से कोई भी रिलेटेड नहीं है. कोई भी इंसान 10 लोगों को खाना खिलाया और या तो कुछ अच्छा कर्म और काम किया, अपने आप ही उसके अंदर एक खुशी मिलती है. यार मैंने ये 10 लोगों को खाना खिलाया, मीठा बहुत बढ़िया बनी थी और सब्जी एक नंबर की थी, इस लोगों ने बहुत मजा से खाना खाया, बहुत पसंद से खाना खाया, ऐसा खुश होके उस बात को डिस्कस करता है किसी और के साथ और वो खुशी अपने साथ रखता है. और लाइफ में कभी भी कहीं भी कहीं लंगर चल रही है या कुछ भी खाना 10 लोग खा रहे हैं या उस टाइप के सेम सब्जी बनी है, वो मीठा बना है, फिर वो बात इनके तुरंत स्ट्राइक होके वो खुशी मिलती है इनको. और वो नेक्स्ट पोता पोतियों को, नवासियों को भी बिठा के, अरे यार हमारे जमाने में ऐसी एक त्योहार था, उस पे हमने ऐसा खाना खिलाया कि एक नंबर के खाना बनी थी, ऐसी थी वैसी थी, ऐसा एक स्टोरी बताते हैं. और जब भी वो स्टोरी बता रहे हैं, इनके दिल में एक खुशी होती है और ये लोग एक खुशी की एक वाइब्रेशन को बच्चों को बांट रहे और बच्चों को क्या समझा रहे, ऐसा खाना खिलाने से ऐसे ऐसे होता है और ऐसा एक अच्छा एक्सपीरियंस एंड अच्छा रिमेम्बरिंग. ओके, ये बांट रहे हो गए. और कभी हमारे लाइफ में कोई बुरा भी होती है और हर रोज हर वक्त अच्छा ही नहीं होता. हमने वाकई में बहुत मेहनत करा था, बहुत अच्छा खाना बनाने की सब चीजें तैयार तो कर लिया इंसान अपनी तरफ से, मगर कुदरती के ओर वो कभी बिगड़ गई या बारिश आ गई, कोई भी इंसान खाना खा नहीं पाया, फिर वो चीज पूरा खराब हो गया, फिर वो खाना वेस्ट हो गया. इनमें से मैं एक छोटा एग्जाम्पल बता रही हूँ, एक पूरी लाइफ में एक एक एग्जाम्पल बता रहे हो. फिर जब भी बारिश आता है, ये ग्रैंडफादर वही बात याद करता है, जब भी बारिश के मौसम में कोई भी किसी के घर में फंक्शन होता है, यही बात याद करता है.
अपना नेक्स्ट जनरेशन में किसी की शादी है तो उनको ये टोक के बताते हैं, यार मेरा साथ ऐसा हो गया बारिश के मौसम में, सो अभी भी ये बारिश की वही मौसम है और ये सही महीना है, ऐसा खाना खराब होएगा, आप अपनी तैयारी कर, ऐसे तैयारी रखो कि खाना खराब ना हो। फिर ये एक नेगेटिव बात है, सालों साल हर फंक्शन में हर इंसान को ये बांटता रहा, ये क्या करता रहा, ये बांटता रहा और हर इंसान को ये समझाता रहा और बताते रहा। फिर इसका मतलब इन्होंने, जो मेन एंसेस्टर है, उन्होंने ये बुरी बात को अपनी डीएनए लेवल तक कंप्लीटली इन्होंने होल्ड करके रखा था और पूरा 20 इयर्स 30 इयर्स ये इसी बात को दिमाग में रख के कंप्लीटली अपनी नस नस के अंदर, सेल सेल के अंदर, खाने की बारिश के बीच में फिर इन्होंने माइंड को वहां ब्लॉक करके रख लिया। और फिर इन्हीं जीन्स से नेक्स्ट जो भी इनकी ग्रैंड डॉटर हुई है, ये ग्रैंड सन हुआ है, ओके, फिर इनको अचानक जब भी बारिश होता है वो इसको खाना खाने के दिल नहीं चाहता, या खाने को देखता है कुछ वाटर के रिलेटेड कुछ इरिटेशन आती है, या ये कहीं भी व्हाट यू कॉल कहीं फंक्शंस में पार्टीज में जाता है, या बारिश की वजह इसको लंच हो नहीं पाता है, या ये खाना ऑर्डर करता है बारिश की वजह वो ऑर्डर बॉय आके इसको खाना दे नहीं पाता है, ऐसा कहीं ना कहीं ये चीज अटक जाती है और रुक जाती है। ओके, सो लाइफ में सबसे पहले, लाइफ में हजारों बात होती है, वो खाली आपके लिए ही हुआ है, आपके लिए हुआ है, ऐसा रूल नहीं है, एक बार आपके साथ कुछ बैड काम हुआ है या कुछ बुरा रास्ता हुआ है जिंदगी में, इतना बड़ा कायनात में, इतना बड़ा दुनिया में, इतनी बड़ी वर्ल्ड में, इतनी बड़ा कॉन्टिनेंट में, इतनी बड़ा इंडिया में, और इतनी बड़ी मीन्स एशिया में, इतनी बड़ी इंडिया में, इतनी बड़ी गुजरात में, फिर आपको जो हुआ वो पूरी पूरी दुनिया को वही बात होगी। सो ये दिस इज अ मीन्स ये नंबर वन तरीका की मीन्स व्हाट यू कॉल आई डोंट नो, सो ये है। सो ये ऐसा एंसेस्टर्स ने कई गलत थॉट्स हैं, थॉट फॉर्म्स हैं, तरीका है हमको कई चीजें फिजिकली एंड एस्ट्रली भी समझा के गया है। जो छोटे बच्चे पैदा हुआ है उनको कोई भी बुद्धि नहीं है, जो छोटा बच्चा कोई ऐसा बुद्धि नहीं है, फिर बड़े होके जब तक वो स्कूल जाते हैं इसके बीच में धीरे धीरे वो बड़े होते रहे इसका बुद्धि बनती रहेगा और मन भी खाली रहता है, वो दुश्मन को देख के भी वो हंसता है और आपको देख के भी अट्रैक्ट होके उसके ऊपर हाथ रखने की सोचता है, मगर हमारे बड़ों ने ये समझाते हैं भाई ये आग है, ये जलता है, ये खराब चीज है, ये अच्छी चीज है, और नहीं ये नहीं करना है, बारिश देख के बच्चे पानी देख के अट्रैक्ट होते हैं, तो पेरेंट्स इनको समझाते हैं, इसको बुद्धि देते हैं और इनको मन को बना लेते हैं, मीन्स तुम बीमार पड़ोगे पानी में जाए तो, ये बात बड़ों ने इनके दिमाग में डाला था, तो पानी देके तो मेरा तबीयत खराब होता है, ये इनकी मन में बुद्धि में निक्षिप्त हुआ है। ये बहुत सारे लोग अभी भी बारिश में भीगे तो तुरंत तबीयत खराब होती है, इनकी दिमाग में ये रम गई है ये बात, हाँ मुझे ये का मैं ये खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी, ये खाऊंगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी, ये सी करूंगी तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। कई लोग पता नहीं दुनिया में क्या क्या काके जी रहे हैं, चीन के लोग देखिए, जापान के लोग देखिए, ये क्या क्या काके जी रहे हैं। हर इंसान मीन्स ऐसा नहीं है नेचर के अगेंस्ट चले जाइए, रात को उठ के खाना खा लीजिए, दिन पे उठ के वो कुछ और उमदा कीजिए, मैं नहीं बोल रही हूँ, मगर एक मिनिमम सेंस तो होती है, और हम भी अपना बच्चों को दिन भर टोकते रहते हैं, दिन भर टोकते रहते हैं कि मैं मेरा फादर मेन क्या करते हैं, उनको कभी भी हमने खाना खाया बाहर, इनको पेट में दर्द आया या कुछ बात हो गई, हमारा पूरे घर से जबरदस्ती टैबलेट टैबलेट खिलाता था, वो पूरी घर से जबरदस्ती टैबलेट खिलाता था, कि फिर हमको टैबलेट को देखते ही एक एवर्शन आ गया, या तो फिर बच्चा कैसा होएगा, फिर हर बात की फिर वो टैबलेट की एडिक्ट हो जाएगा क्योंकि फादर की बात से। ओके, सो ये क्या होता है, ये दवा होती है,
अब पेरेंट्स हमारा आंखों के सामने हमारे घर पे हैं, तो सुबह से लेकर रात तक कितनी चीजों से हमारे मन बना रहे और बुद्धि बना रहे और हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, कितनी हजारों बातें हैं। फिर ये सा ही एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग पैदा होने के लिए इसको 12 DNA चाहिए। अभी जो 2 DNA है वो एक्टिव है, वो हम है, ओके, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, वो हम है। या फिर ये एंसेस्टर से हमको 46 क्रोमोसोम्स आती है, मींस मदर से हमको, पेरेंट्स से हमको 46 क्रोमोसोम्स आती है। ये पेयर्स पेयर्स रहती है, मींस 23 जोड़ी, मींस आपकी मदर की साइड एंड फादर की साइड 23 जोड़ियों की, मींस 46 लोगों की टेंशंस, इंटेंशंस, थॉट्स, थॉट फॉर्म्स, लेजीनेस, हायर स्पिरिचुअलिटी, बैड कर्मा, गुड कर्मा, लक, जो भी हो, उन लोगों ने जो किसी भगवत गीत में निष्णात है, कुछ खेती बाड़ी में निष्णात है, कुछ आयुर्वेद की दवा बनाने में, जड़ी बूटी में निष्णात है, ओके, किस चोरी करने में भी निष्णात है, कुछ भी चीजें आपके अंदर वो आती है, मगर ओनली 2 DNA एक्टिव रहती है, बाकी 12-10 DNA निद्रा अवस्था में रहती है, वो सोती रहती है आराम से। क्या वो क्या है, वो निद्रा अवस्था, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल डीएनए, हम बोलते हैं जंग डीएनए, साइंटिस्ट बोलते हैं, ओके। सो ये हमारे डीएनए है, ये 2 DNA एक्टिव रहती है मदर एंड फादर से, जो अभी हमारे को इंस्टेंट आया है उससे हम काम करते रहते हैं। मीन्स आपके पास 46 लोगों ने अपनी पूरी लाइफ टाइम में क्या क्या काम किया, क्या क्या एक्सपीरियंस गेन किया, और वो लोग किस किस डायमेंशन से आया, इधर क्या क्या सीखा, क्या क्या काम करा, वो पास पूरा ई बुक आपके पास है, मगर वो ई बुक एक लॉकर के अंदर रख के ताला बंद हो गए हैं। एक सूर्या की एक फिल्म आया था कि टाइम वो क्लॉक को वो करता है तो रुक जाती है, साउथ इंडियन फिल्म है शायद, वो नॉर्थ इंडिया में भी है, ओके, वो फिल्म ऐसा वो रुक जाती है। वैसा ही आप किस टाइम पे जाना चाहते हो, आपकी डीएनए को एक्टिवेट करोगे, मीन्स 8th DNA, 7th layer of DNA, 6th stand of DNA, ऐसा आप जो भी एक्टिव करना चाहते हो, वो जहां जहां आप एक्टिव करते हो, जितने पीछे आप एक्टिव करते हो, उस जमाने में क्या क्या हुआ है, उन्होंने क्या क्या लर्न किया है, वो सारे चीज आपके अंदर आ जाएगा। एंड आपके अंदर 4 generations के पीछे डीएनए एक्टिव हुआ है, तो 4 generations के पीछे जितना ताकतवर थे लोग, जो इम्यूनिटी थे, जो डीएनए स्ट्रैंड जो डैमेज नहीं होके जो स्ट्रांग थे, और बीच की जो 3 पीढ़ियों ने जितना अपने डीएनए को डैमेज कर लिया है, वो सारे चीज आपके रिपेयर होके, आप रिकवर होके फिर उतना ही स्ट्रांग बनते हो। और फिर नेक्स्ट आपसे जो भी जनरेशन पैदा होता है, तो 4 generation के पीछे जितने स्ट्रांग आप हो गए, फिर नेक्स्ट वहीं से स्टार्ट होता है, ओके। आपने जो सीड्स हैं, जो भी बीज, पेड़ के बीज जो खराब है, फिर खराब सीड लगाओगे तो वही लूले लंगड़ी पेड़ आती है, जो फ्लावर्स और सारे सही नहीं दे पाती है, फिर आप क्या करते हो, ऊपर पेस्टिसाइड डालते हो, नीचे पेस्टिसाइड डालते हो, वो करते हो, ये करते हो, मगर वो बीज के अंदर एक पावर होके, अच्छा क्वालिटी की बीज होके, फिर इसके अंदर मिट्टी में से स्पिरिचुअल पावर, मिट्टी अच्छा मिलती है, फिर वो ऊपर आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही हर सर्कमस्टेंसेस ऑफ क्लाइमेट में अपने आप को निभा के वो अच्छा फ्लावर्स और फ्रूट्स और हर चीज दे सकते हैं, और वो फ्रूट्स के अंदर भी टेस्ट होती है, ओके, और वो लॉन्ग लाइफ में भी वो फल रहती है, ऐसा नहीं है पेड़ से हम निकालते ही 1 दिन में 2 दिन में वो खराब नहीं होती है। सो सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं। ऐसा ही एक पाप और या पुण्य कुछ भी हो, 7 पीढ़ी तक वो साथ रहती है, तभी तो हम किसी लड़की के लिए, लड़का के लिए देखते हैं 7 generations, 7 बिरादरी इस तरफ और उस तरफ देखिए, ये बोलते हैं, मीन्स मदर की तरफ और फादर की तरफ, वो उसी को, जैसे आदत की लैंग्वेज में कोई भी हम लड़की देखने जा रहे हैं या लड़का देखने जा रहे हैं,
तो ये बोलते हैं, अरे इसके साथ बिरादरी इस तरफ और उस तरफ देख लेना, ये बोलते हैं। जो भी एपिलिप्सी है और व्हाइट पैचेस है और किसी जैसे जैसे ज्यादा मोटापन है और थायराइड है, डायबिटिक है, बाल हेड है। अभी कोई बच्चा है, इसके फादर को बाल हेड है, फिर वो क्या होता है, पैदाइशी नहीं आती है। जैसे उनके फादर की उम्र आती रहेगी, उनके फादर को 40 इयर्स में ये बाल हेड आ गया, तो ये बच्चा को नेक्स्ट जनरेशन में 32 38 में के बीच में वो बाल हेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो धीरे धीरे अपने फादर जैसे कंप्लीट टर्न हो जाता है, वो अपने फादर जैसे टर्न हो जाते हैं। तो फिर इनको फादर को किससे आया है, पैदाइशी आदमी को है नहीं, और बीच में 2 जनरेशन के पीछे है नहीं। जो भी हमने टेंशन करा था, जो भी हमने लाइफ में परेशानी और मुसीबतें झेला था, तो हमारे का जो ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए और जो केमिकल्स हमारा बॉडी में परफेक्ट रिलीज होके कहाँ बाल होना चाहिए, कहाँ बाल नहीं होना चाहिए, और जहां जहां की केमिकल्स, टाइप टाइप्स ऑफ केमिकल्स रिलीज होना चाहिए, वो रिलीज नहीं हुए। जैसा हमने टेंशन करके हमारा सारे मेटाबॉलिक साइकिल के संतुलन को हम बिगाड़ने की वजह ये सारे इम्बैलेंसेस एंड मिस्टेक्स ऑफ केमिकल्स होके फिर हमने कई चीजों को ब्लॉक कर लिया है। जहां जहां ब्लॉक कर लिया, आईसेट आ गए, थायराइड हो गए, डायबिटिक हो गए, बाल हेड आ गए, मोटापा आ गए, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गए, ये कई चीजें हैं। ओके, फिर वो ऐसे ही एपिलेप्सी आ गए, व्हाइट पैचेस आ गए, ऐसे कई चीजें आते रहते हैं। फिर वो नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन जाता रहता है। ओके, फिर इसमें एक ब्रेक आती है, पिक्चर की क्लाइमैक्स भी होती है। ऐसा नहीं है पिक्चर चलती रहती है, पिक्चर के क्लाइमैक्स भी होते हैं। वो क्या है, कोई बीच में 1 2 जनरेशन लोग अच्छा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, वो चाहे मंत्र समझ लीजिए या मेडिटेशन समझ लीजिए या एक्लेक्टिक साइंसेस के रिलेटेड समझ लीजिए, जो भी हो, होम है, अर्पण है, तर्पण है, दान है, पुण्य है, जो भी कर्म करते हैं, फिर कोई ना कोई उस वंश में एक बच्चा ऐसा पैदा होता है जिसकी केतु केतु ग्रह 12वां घर में है, 12th हाउस में है। इसका मतलब इस बच्चे के अंदर जिसका भी जीन्स है, जिसका भी जेनेटिक्स है, जिस जिसका डीएनए है, वो सारे लोग मोक्ष में चले जाते हैं। ओके, वो सारे लोग मोक्ष में चले जाते हैं। और इस पे और एक ब्रेक है, एक घर में 2 ब्रदर्स है, 2 ब्रदर्स है, नाम ए एंड बी। ए को अपनी मदर की तरफ से जीन्स आई है, जीन्स एक्टिव है। बी को अपने फादर की तरफ से है। वाओ, सो ये क्या है, ए को मदर की तरफ से, बी को फादर की तरफ से है। ओके, जीन्स आई है। सो क्या होता है, मदर की तरफ जिसको भी जीन्स आया, उनकी फैमिली हिस्ट्री में उनको अपनी पेरेंट्स की तरफ से बहुत लक्ष्मी देवी के आशीर्वाद है, कुबेर के आशीर्वाद है, दान पुण्य कर्म करने की खूब हजारों लोगों के आशीर्वाद है, कई अच्छा विद्या बुद्धि है और गर्भ संस्कार है, कई चीजें हैं। फिर ये बच्चा इधर क्या होता है, वो बिहेवियर ही रॉयल रहती है, उनकी फेस के अंदर एक नूर रहती है, और इनकी फ्रेंड्स भी ऐसा ही रहता है, और इनकी पढ़ाई भी ऐसी आती है, और ये बच्चा यूएस या कहीं ना कहीं अच्छा कंट्री पे चले जाता है, और इनको जो आने वाली वाइफ भी वैसा ही अच्छी फैमिली की आके, इनके बच्चे बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ते हैं, फिर ऐसा इनकी लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। फिर जो सेकेंड बी है, इनको अपने फादर की तरफ से जीन्स आई है। फिर वो फादर की तरफ जीन्स में किसी किसी की श्राप है, सांप को मारने की श्राप है, सर्प दोष है, किसी लेडीज को इन लोगों ने शादी करके छोड़ के निकाल के फिर वो बहुओं को परेशान करके ये सारे जो खता करी थी उनकी सारे ये रोना धोना सब इनकी जीन्स में है। फिर वो ग्रैंडफादर की जीन्स इनके अंदर आया। फिर जो वाइफ आएगा वो खूब पिटता रहेगा, फिर वो कोई ना कोई केस करेगा, क्योंकि वो लेडीज ने जो ग्रैंडफादर या जिसका जीन्स आया उसने घर में बहुओं को जो परेशान करा था दहेज के लिए, किसी बात के लिए, फिर ये वाइफ उसके ऊपर 478 या समथिंग 478 केस डालेगी, इसको जेल भिजवाएगी, फिर इसको तलाक नहीं देगी, फिर इससे पूरी प्रॉपर्टी वापस लेगी, इसको मारती रहेगी, ये इधर उधर भागते रहेगा, ये बच नहीं पाता है,
एक ब्रदर ऐसा क्यों जिसको जिसकी जो स्ट्रीम लाइन आती है, जैसे हमारा ड्रेनेज की लाइन अलग है, जैसा हमारी वाटर लाइन अलग है, जो फ्रेश वाटर आती है, जो गंदगी वाटर बाहर जाती है, वैसा ही इस एंसेस्टर्स में एक-एक टाइम में घर पे एक-एक इंसान जो पैदा होता है, उनकी सारे पाप कर्म लेके फिर वो पैदा होता रहता है। और किसी किसी ने बहुत पुण्य कर्म करा था, मगर अपना लाइफ टाइम में उसको एंजॉय नहीं करा। फिर एक बच्चा ऐसा पैदा होता है, इनकी पुण्य कर्म के ताल्लुक की सारी चीज वो एंजॉय करके इस धरती पे वो मजा लेने के पैदा होता है। और आगे लोगों को ये जो या तो कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किया है, कुछ करा है, फिर वो सारे इंफॉर्मेशन इनके अंदर है, इसको बाहर दुनिया को बता के और दुनिया को भी अच्छा करने के लिए कि बहुत बढ़िया डॉक्टर पैदा होता है, कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट पैदा होता है, कि दुनिया को अच्छा करने के लिए। और हमारे अंदर जो भी इंटेंशन है, एंसेस्टर्स की इंटेंशन है, अरे यार ये ना कुछ भी काम नहीं करता, चोरी कर करके खूब कमाया, हम देखो कितना मेहनत कर रहे हैं, ऐसी चोरी करना बेटर है, मगर हमको नहीं आ रहा। ये बात एंसेस्टर ने खूब सोच लिया सोच लिया सोच लिया सोच लिया, ये जींस नेक्स्ट जनरेशन में जिसको आता है वो वैसा ही चोर बनता है, और इसके अंदर चोरी करके ऐसा काम करने की सारे इंटेंशंस भी आते हैं, आइडियाज भी आते हैं, और इनको गलत भी नहीं लगता है और बुरा भी नहीं लगता है। फिर बाद में ये एंसेस्टर बोलते हैं, दादाजी बोलते हैं, हमारे घर में तो कोई ऐसा इंसान ही नहीं है, ये पता नहीं यार, ये गलत ही पैदा हो गया हमारे घर में, इसको इस तरीके की बुद्धि किसके आया है, जब ये जवान जवान थे फिर इसने ये इंटेंशन कर लिया। इसने अभी एक छोटा सा एग्जांपल बता रहे, देखिए इतनी सारे टिकटॉक और यूट्यूब में छोटे छोटे रील्स बन रही हैं, अच्छे अच्छे घर के भी औरतें और बहुत सारे लोग ये सारी चीजें कर रही हैं। दो जनरेशन के पीछे जब फिल्म फर्स्ट टाइम बनी थी, सारे लेडीज एंड जेंट्स जो भी हो सब बैठ के, वाह मुझे ऐसा हीरोइन जैसा होता तो अच्छा, वाह मैं ऐसा हीरो जैसा होता तो अच्छा, यार ये लव मैरिज करा था ये सब तो अच्छा, मगर उस जमाने में चलता नहीं था, और हम नाच गाना करते नहीं थे, एक छोटी सी हम जैसे हा, ला 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 ये भी करते हैं तो बुरी बात थी। तो सब चीजें अपने डीएनए में वो पिक्चर को देख देख के खुश होते थे, अंदर रम लिया था। फिर अब बच्चे फिर उसी को वापस एक ग्रुप ऑफ सोल्स ने चाहा था, इसलिए ऐप भी बन गया है, कोई ना कोई ऐप भी बनाने वाला आया, फिर वो बहुत लो कॉस्ट पे चल भी रहे और सब लोग हीरो हीरोइन बन गए। पहले तो 5 जने हीरो हीरोइन रहता था और 1,000 लोग देखते थे, आज लाखों लोग बन गए। कि कैसे बनी, आपकी इंटेंशंस हैं, ये आपकी इंटेंशंस हैं। ऐसा हमारे अंदर 46 लोगों की इंटेंशन है, कितनी 46 लोगों की इंटेंशन है, ये सारे टेंशंस को इंटेंशंस को हम जब तक क्लियर नहीं करेंगे तो ऐसे लगते हैं ट्रैफिक, फुल ट्रैफिक में कोई हॉर्न मार रहे हैं, कोई पीपीपी कर रहे हैं, कोई आके डैश कर रहे हैं, कोई आके सामने से गाड़ी को मार रहे हैं, ऐसा हमारे सोल बेचारी आया कुछ और काम करने के लिए और कुछ एक्सपीरियंसेस लेने के लिए और इधर कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके अपना डायमेंशंस टू डायमेंशंस वो करने के लिए। आपने ये बात सुने होंगे रेस्ट ऑन रेंट, आपको कभी रेस्टोरेंट जाते हो वहां आपकी सर्विस टैक्स लगती है, सर्विस टैक्स लगती है, मीन्स आप ये खाना खुद घर पे बनाते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको कोई भी मेहनत करना नहीं है तो आप आके इधर खाना खा रहे हो, आपको सब चीज सर्विस करके मिल रही है, इसलिए आपको सर्विस टैक्स मिलते हैं और उसका नाम है रेस्ट ऑन रेंट, रेंट पे करके आप रेस्ट करो। ऐसा ही इस सोल को ये डीएनए जिसका एंसेस्टर्स की वजह ये फिजिकल बॉडी मिल रही है, वो ऊपर प्रॉमिस करके आता है कि मैं इस डीएनए के अंदर जितने भी ये जो बुरी है, बुरी चीजें, ये खराबी है, यहां तक तो मैं क्लियर करती हूँ, और ये क्लियर करने में जो भी स्ट्रगल्स मैं फेस करती हूँ, मेरा स्पिरिचुअल पावर से इसको क्लियर करूंगी। मगर इधर आके फिर ये चीज क्या होती है, स्ट्रगल ऊपर बैठ के वो प्रॉमिस करके तो आता है, मगर नीचे ये स्ट्रगल ज्यादा होता है, और जब अंदर इतनी बहुत ट्रैफिक चल रही है, इतनी गड़बड़ चल रही है, तो सोल को वो किस डायमेंशन से आया है, और इनकी जो गाइड एंजल, गार्डनिंग एंजल है, और इनकी जो पूर्णात्मा है वो, और क्लेरो वॉयंसेस है, ये प्रैक्टिस तो कर रहे हैं मगर वो चीज क्लियरली सुन के, इसको समझ के,
आराम से बैठ के अपना काम करने ही नहीं देती है। आप जहां बैठे हो वहां नीचे कंप्लीट हिल रहे हैं, आप कैसे लिख पाओगे, कैसे सुन पाओगे, कैसे दूसरा काम कर पाओगे? ऐसा ये डीएनए के अंदर से जो आती है, इट्स नॉट ओनली डीएनए, इस डीएनए से ही हमारा हर बॉडी पार्ट बनी है, लंग, लीवर, किडनी, ओके, एवरी इसी के थ्रू बनी है। फिर ये कभी मौसम चेंज होता तो लंग बात नहीं सुनती है, नाक बात नहीं सुनती है, कुछ भी खाते हैं तो लिवर बात नहीं सुनती है, कुछ भी चीज पे जैसे आधी रात को दिल चाहता है तो इंटेस्टाइन्स बात नहीं सुनते हैं, पेट में जलन वो कर देते हैं, खाना खाने नहीं देते हैं प्रॉपर, भी बहुत है, खाना खा नहीं सकते हैं, कमर में दर्द है, लाख रुपए की पेट में सोने नहीं देती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, घुटनों में दर्द है, 3 मंजिल के घर बनाया है, ऊपर की मंजिल चढ़ के 2 साल हो गए क्योंकि घुटनों में दर्द है। ये फिजिकल बॉडी के अंदर एक एक पार्ट के अंदर बहुत लाखों सेल्स है, ये सब हमारे एंसेस्टर से आए हैं, उन लोगों की इंटेंशंस जो भी है वो हमारे आवाजों की वजह हमारे अंदर स्ट्रेस है। मेन 50-60% के ऊपर हम डीएनए से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर नहीं पा रहे हैं। फिर ये सारे स्ट्रेस को जब हम रिलीव करते हैं, डीएनए को एक्टिव करते हैं, इंसान सबसे पहले एक हिम्मत में आता है, एक उम्मीद में आते हैं और एक तसल्ली, और कोई फितरत ऐसी नहीं हो के चाहे तूफान आ जाए, क्या कैलामिटी आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो एक सुकून की सांस लेके, एक व्हाट यू कॉल मींस एक धैर्य के साथ रहता है। और इनको ये बिकॉज ये जब बॉडी के अंदर हाँ बाइल जूसेस जो हमारा चक्रास, जैसे नॉन फिजिकल तो चक्रास है, फिजिकल तो हमारा 7 ग्लैंड्स है, ये ग्लैंड्स के अंदर से जब हमारे अंदर ज्यादा वाइब्रेशन है, स्ट्रेस है, दुख है, ऐसी चीजें होती हैं, तो ये चक्रास के अंदर से मीन्स हमारे ग्लैंड्स के अंदर से जो बाइल जूसेस प्रोड्यूस करना चाहिए, रिलीज होना चाहिए, एस्ट्रोजन, पोस्ट्रोजन और व्हाट यू कॉल थायराइड के लिए सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीजें जो रिलीज होना चाहिए, वो अपनी संतुलित गति सही संतुलित बिगड़ जाती है। इसकी वजह हम ऊपर से एक टैबलेट, केमिकल की टैबलेट खा के फिर उसको संतुलित करना पड़ रहे हैं, और वो जो प्रोड्यूस कर नहीं पा रही है, फिर वो जो केमिकल प्रोड्यूस करती है वो ग्लैंड, वो केमिकल को हम फिजिकली खा रहे हैं, खा के फिर वो 8 घंटे 6 घंटे ही वो टैबलेट काम आती है, फिर इसके बाद फिर वो बॉडी में सफिशिएंट नहीं है, फिर दोबारा 6 आवर्स में 8 आवर्स में दोबारा हम खा रहे हैं, बिकॉज ऑफ अंदर वाइब्रेशन ज्यादा की वजह हम उस चीज को ब्लॉक करके रखे हैं, वो वाइब्रेशन इतनी वाइब्रेट हो रही है, यूनिवर्सल एनर्जीज को अंदर ले नहीं पा रहे हैं। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड, वेरी वेरी इजी लैंग्वेज। एक 5 मिनट में अपनी स्टोरी बताना चाहती हूँ, फिर जैसे मैंने डीएनए एक्टिव करने के लिए 4-5 ईयर्स के पहले मैंने स्टार्ट किया था, तो पहले मैं पेड़ पौधों से बहुत प्यार करने लग गई, बिकॉज मेरा मदर, मेरा ज्यादा मेरे मदर के साइड की जीन्स है, तो मेरे ग्रैंडफादर इज अ फार्मर और हर तरीका की फ्लावर्स एंड फ्रूट्स की पेड़ वो रखता है, और मुझे फ्रूट्स बहुत पसंद है। मैं खाना नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, मैं फ्रूट्स खाके जी सकती हूँ, इतनी फ्रूट्स पसंद है, और हर तरीके की फ्रूट्स खाती हूँ, और फ्रूट्स में भी एक दो फ्रूट खा के बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, 12 बनानास, 15 मैंगोस और 25 चीकू, उसी टाइप की खाती हूँ मैं, इतनी पसंद है फ्रूट्स, और केजी के हिसाब से तोल के खाती हूँ अकेली। सो मेरे ग्रैंडफादर ने जो फ्रूट्स की पेड़ जो घर पे रखा था, उनको जो फ्रूट्स की पेड़ जो पसंद था, और मैं फ्रूट्स खाने लग गई उसकी वजह। एंड नेक्स्ट ऐसा कई साल हुआ है, इसके बाद नेक्स्ट और डीएनए एक्टिव हमने किया है, मीन्स और नेक्स्ट जनरेशन पे पीछे जैसे हम चले थे, तो मेरे सारे प्लास्टिक के बर्तन बहुत बुरे लगने लग गए, किसी प्लास्टिक के बर्तन देखते तो दिल समथिंग, उस पे खाने के दिल नहीं है, सारे मैंने तांबे की और कांसे की बर्तन लेके आया था, अभी भी मैं चांदी की और कांसे की इन दोनों में ही खाती हूँ, और इसी में दिया जलाती हूँ और इसी ग्लासों में पानी पीती हूँ, और खाना सब चीजें या सिल्वर आई विल यूज ओरिजिनल सिल्वर विथ गोल्ड फ्लावर और कांसी, ओके, ये दोनों चीजें हम यूज करने लग गई। फिर इसके बाद और
पीछे जैसे हम चले गए थे, तो मुझे ये जो मैंने पीएमसी गुजरात में बोला था, अतल वितल सुतल रसा तल ताल ताल लोक, जो 7 डायमेंशंस नीचे हैं, वो समझ में आने लग गए था। तो वहां कौन कौन थे, क्या क्या थे, कैसे थे, फिर वो नॉलेज आया था मुझे, और राहु केतु की नॉलेज आया। इससे भी फिर 4th जनरेशन जैसे मैंने पीछे गए थे, फिर तब मुझे पूरी कुंडली, मेरा 4th ग्रैंडफादर ज्योतिष थे, तो वो पूरा कुंडली बनाना और कुंडली देखना और वो सारी चीजें समझ में आने लग गई। और मेनली कुछ दोष राहु केतु की दोष, काल सर्प दोष, इस पे कंप्लीट मीन्स हम देखते ही फिर नजर उसी पे पड़ती है, और उसको कैसा क्लियर करना है, और सर्पलोक की सारे बातें वो समझ में आ गए। इसके बाद और 5th में जैसे हम गए थे, 5th की बाद जैसे गए थे, तो मुझे स्नेक्स के रिलेटेड कई इंफॉर्मेशन मिली है। जैसे कुंडली में 12 भावों में कहीं भी राहु केतु है, फिर वो तो दोष ही है, तो हमको 8 टाइप्स ऑफ स्नेक्स रहती है और 12 तरीके की काल सर्प दोष रहती है। फिर हर एक स्नेक से कैसे कैसे क्लियर करना है और एक एक डायमेंशन में से कैसे उसको क्लियर कर सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन मिली है। इसके बाद अभी मैं 7th के ऊपर काम कर रही हूँ, और मेरा 9th DNA में, 7th DNA में 6th लेयर तक ओपन है, फिर इसके पीछे ओपन नहीं हो रही है। तो इसके लिए कुछ मीन्स कोई क्रिस्टल यूज करना, कोई चीज करना वो नहीं, संयोगा जो कल क्लास है, संयोगा कम से कम मैं 2 लाख लोगों से जैसे मैं संयोगा करवाती हूँ और सिखाती हूँ, तो ही मेरा वो DNA ओपन होती है। मेरा एंसेस्टर सारे जिस दिन सूरज नहीं आते हैं उस दिन खाना नहीं खाते थे, और वो सारे सूर्यवंशी थे। ऐसा कुछ वो, और वो लोग जब लास्ट मोमेंट वो अपनी बॉडी छोड़ना था, वो भी उन लोगों को पता था। फिर 2 जनरेशन तक तो मुझे स्टोरीज लोग बताते हैं ना, तो ये लोग जब आखिरी मिनट आ गए हैं, तो ये अपने आप ही सबको बोल के चाबी वाबी सब दे के, मेरे ग्रैंडफादर को चाबी वगैरह भी दे के, फिर जो जो हम हिसाब किताब होता है उसको समझा के, ये जो लुंगी बांधते हैं साउथ इंडियन लोग उसको लूज करके अपने आप ही, फिर चंबू वाटर, एक इसमें वाटर और तुलसी तीर्थ वहां रख के, और मुंह खोल के नारायणा नारायणा बोलते ही वो अपने आप ही घर से मीन्स घर के अंदर बॉडी वेकेट करते हैं, तो कुछ शुद्ध करना पड़ता है, इसके घर के बाहर जाके वहां अपना चादर बिछा के वो खुद ही बॉडी वेकेट कर लिया। फिर उन लोगों को इतनी नॉलेज एंड आइडिया है, ये मेरा मदर की फादर की साइड की है और मेरा मदर की मदर साइड। फिर 4 जनरेशंस में मैंने कई बार बताया था, किसी को भी सांप काटती है, बिच्छू काटती है, तो वो ऑयल को मंत्र करके लगाते थे, और हमारे फैमिली में किसी को भी ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आते हैं वो सारे ऐसे स्पिरिचुअलिटी में है, और बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आते हैं वो सारे डॉक्टर्स हैं, दोनों तरफ से इलाज में है लोग। फिर ऐसा ही ये कंटिन्यू हो रही है, तो ऐसा उस तरफ भी DNA और इस तरफ की DNA जो एक्टिव होती है, हम जो पीछे 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 जाते हैं तो हमको नॉलेज मिलती रहते हैं, और ये कहीं बुक्स में नहीं मिलता। हर फैमिली की एक जरूर एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी है, वरना तो उनकी जनरेशन पीढ़ी इतनी दूर तक नहीं आती। बीच में कुछ उन लोगों ने कुछ ना कुछ बैड काम करते हैं, वहां बच्चे नहीं है, ऐसा कुछ ना कुछ होके वहां स्टॉप हो जाती है, और बच्चे सडन डेथ हो जाती है, या स्पेशली एबिलिटी चिल्ड्रन हो जाते हैं, फिर उनको शादी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ ना कुछ हो जाते हैं। हमने इधर तक आया इसका मतलब डेफिनेटली दे हैव डन समथिंग आउट ऑफ समथिंग गुड, सो बैड भी था थोड़ा बहुत, फिर उसको हम क्लियर करेंगे, वो लोग भी हमको हेल्प करेंगे, वो लोग भी हमको हेल्प करेंगे, हमारा बच्चा आगे जा रहा है, कौन है जो एंसेस्टर्स हेल्प नहीं करते हैं। ओके, सो वो हेल्प भी करते हैं, और फिर इन्होंने जो भी सीखा है और इनके पास जो भी नॉलेज है, वो चीज हम अवेकन करके दुनिया को फिर वो यूटिलाइज करने जैसे हम दे रहे हैं, तो इनको बहुत खुशी होती है। और ये अभी किसी भी ऊपर किसी भी डायमेंशन में है, उस डायमेंशन में जिस लोगों के साथ है वो पूरा ग्रुप का भी एनर्जीज और आशीर्वाद हमको दिलाते हैं। ये एक अलग सा चैप्टर है, वो भी मैं नेक्स्ट ये DNA की 4-5 एपिसोड्स करेंगे तभी ये DNA कंप्लीट होएगा। ये बहुत बेसिक है जो आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है,
ओनली एक स्टोरी बताया है, सब्जेक्ट नहीं बताया है अभी मैंने। इसके बाद हम अभी डीएनए के ऊपर हम मेडिटेशन करेंगे। देर आर 12 स्टैंड्स ऑफ डीएनए है, हर स्टैंड के अंदर 12 लेयर्स हैं। ये 12 स्टैंड्स हमारा कुंडली की 12 हाउसेस से रिलेटेड है और हमारे चक्रा के अंदर 12 लेयर से भी ये रिलेटेड है। और जैसे गोचार में एक-एक भाव में जैसे ग्रह अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है, ऐसा ही एक-एक स्टैंड में जो 12 लेयर्स हैं वो लेयर्स उस टाइम पे वो एक्टिव होती रहती हैं। और कुंडली में जो फर्स्ट का मतलब हम हैं, सेकंड का मतलब हमारा परिवार वाले हैं, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस का मतलब हमारे कजिन्स और फैमिली मेंबर्स हैं, और फोर्थ का मतलब मदर, सिक्स फिफ्थ का मतलब बच्चे और पूर्व पुण्य कैसे देखते हैं, ऐसा एक-एक हाउस की रिलेशन है। वैसा ही मीन्स सेवेंथ हाउस, सिक्स हाउसेस ससुराल वाले, सेवेंथ हाउसेस हस्बैंड। ऐसा ही हमारा डीएनए के अंदर एक-एक जब गोचार में ग्रह चेंज होती रहती है हमारे डीएनए के अंदर, फिर एक-एक स्टैंड में जो लेयर्स के अंदर, एक कैसे बताऊं, डीएनए के अंदर 12 लेयर्स हैं, 12 स्टैंड्स हैं, एक-एक स्टैंड के अंदर 12 लेयर्स हैं। फिर ये एक्टिव होने के लिए हमारे को एमिनो एसिड यूज होती है, और 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स होता है। और ये जो एंसेस्टर से मदर पेरेंट्स से हमको जो जीन्स आए हैं वो 46 क्रोमोसोम्स हैं, मीन्स 23 पेयर्स हैं। फिर वो सारे चीजों में, फिर वो क्रोमोसोम्स में 4 वैरायटीज हैं, फिर वो सारे चीज एक-एक चीज एक टाइम पे ग्रह स्थिति की वजह और हम सोच विचारों करने की वजह, हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की वजह एक-एक एक्टिव होती रहती है। इनकी आउटर फेस हमारा चक्र होती है। इनकी आउटर फेस हमारा चक्र होती है, इनर फेस तो डीएनए एक छोटी सी न्यूक्लियर से स्टार्ट होती है। हम जो सांस ले रहे हैं, सांस के साथ हमारे जो भी दिमाग में सोच विचार है जो हम अंदर ले रहे हैं, वो छोटी से छोटी मॉलिक्यूल तक तक भी अंदर जाके, मीन्स एटम तक भी जाके, वहां से फिर वो सोच विचार बाहर आ रही है। आप जो भी सोच रहे हो, आपकी लंग के अंदर, लिवर के अंदर एक सेल है, सेल के अंदर भी एक छोटी सी मॉलिक्यूल्स है और माइटोकॉन्ड्रिया है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो छोटी से एटम है वहां तक पहुंच के फिर वापस जाती है। आप यह मत सोचना आप सोच दिमाग में सोच रहे हो, नहीं, आपकी सोच लंग भी ले रही है, लिवर भी ले रही है, ब्लड भी ले रही है, ब्लड के अंदर सेल्स भी ले रही है, एवरीथिंग ले रही है। आप जिस रेंज की, जिस तरीका की सोच रहे हो, उतना ही डायमेंशन के रिलेटेड एनर्जी को आप अंदर ले रहे हो। अंदर का मतलब दिमाग से नहीं ले रहे हो, इस सेल से वहां अंदर की छोटा एटम तक और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी और माइन्यूट स्क्वाड्स बोलते हैं, जैसे ही फ्लश काटते हैं तो एक हल्की सी एक दागा आती है, उसको हम स्क्वाड्स बोलते हैं। जो भी हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं वो नॉर्मल पर्सन को वो स्क्वाड्स आड़ा मेड़ा शेप में रहती है, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं उसको ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल और जो ऑक्टोगन, हेक्सोगन, वैसा एक ज्योमेट्रिकल शेप में रहती है। जो जितने ज्यादा सेल्स वो ज्योमेट्रिकल शेप्स में है, और जिस टाइप के ज्योमेट्रिकल शेप्स में है, आप जो मंदिर के ऊपर देखते हो ना, स्क्वायर है और फ्लावर है, और श्रीयंत्र के टाइप की पिरामिड्स में है, ऐसे जो ऊपर की जो आप देख रहे हो, वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर ये शरीर एक मंदिर, एक टेम्पल जो बता रहे हैं, टेम्पल मंदिर की जो ऊपर की जो स्ट्रक्चर है, वैसा ही आपके अंदर ये स्क्वायर्स ज्योमेट्रिकल डायमेंशन में बनते हैं। वो जब बनेंगे फिर उसी लेवल की ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन आप अपने अंदर आप डाउनलोड कर सकते हो और वही चीज आप दुनिया को दे सकते हो। दिस इज द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। सब्जेक्ट सब्जेक्ट डीप है, काफी डीप। डीप है, मैं 4 इयर्स हो गए इसके ऊपर काम करते करते, एवरी डे एक नया बात मास्टर्स मुझे समझाते हैं, एक नया बात मास्टर्स मुझे समझाते हैं। और इसके बाद भी डीएनए के इस, ये जो स्टैंड आप पीछे देख रहे हो,
ये दो दो स्टैंड्स के अंदर भी फिर फोर टाइप्स ऑफ केमिकल्स हैं। फिर ये हमको जो फाइनेंस नहीं आती है और जो रिलेशनशिप सही नहीं होता है और हमारे को जो नॉलेज होने के बाद भी मौका मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मौका खुलती नहीं है काम करने के लिए, और हमको लोग पसंद नहीं करते या हम किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं, उसके ऊपर चार केमिकल्स रिलेटेड है। फिर उस केमिकल्स को भी हम सही कर सकते हैं, एवरीथिंग इन स्पिरिचुअलिटी हम सही कर सकते हैं। ये सारे चीज की जड़ है हमारी सोच। बताया आपने कि फादर की तरफ जाते हैं, जो मदर की तरफ मेरे फादर की तरफ लोग बहुत मस्त हैं, जो मुझे देखते हो आप लोग जो स्माइलिंग फेस है वो मेरे फादर की तरफ से आए हैं। मेरे फादर की मदर हर दुख में भी हंसती रहती है। हमको कोई भी किसी की बॉडी वेकेट करते हैं वहां मेरा दादी को और मुझे को कोई भी लेके नहीं जाता, बिकॉज वहीं भी हम हंस लेंगे। ओके, ऐसे मस्त लोग हैं। और जो भी फिल्म आते हैं, शी इज नाउ 92, जो भी फिल्म आते हैं आज भी थिएटर जाके वो देखती है, और जो भी नया तरीका की जो साड़ी जो भी आती है और ज्वेलरी वो आज भी बनाते हैं। शी इज 92 एंड माई ग्रैंड फादर इज नाउ 98, फादर की फादर, एंड दे आर वेरी हेल्दी एंड डेली वो साइकिल चलाता है और अपना खुद की कमाई करके फिर वो लोग जी रहे हैं। आज तक हमारे से किसी से 1 रुपए भी नहीं लिया है, कोई आईसाइट भी नहीं है, कोई चश्मा भी नहीं है उनको। और मेरा दादी की मदर 102 ईयर्स थी, और इनकी ग्रैंड मदर, मेरे दादी की ग्रैंड मदर को भी मैंने देखा है, शी इज 116 ईयर्स थे वो। तो आपका फोन शादी नंबर, मैम फोन नंबर आपका सब मांग रहे हैं तो आप डाल दीजिए। नंबर 7300188914। ओके, सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन एंड नेक्स्ट सेशन में। और इसके अंदर नेक्स्ट ग्रहों से हम कैसे कनेक्टेड हैं, हमारे एंसेस्टर्स ने कोई गलती किया तो वो कुंडली में कैसा दिख रही है, ओके, हाउ वो चार्ट में कैसा शो हो रही है, उस बात पे हम एक्सप्लेन करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। Close your eyes. Cross your legs. Cross your fingers. हमारा डीएनए एक्टिव होने के लिए सप्त ऋषि और उनकी ऋषि पत्नी की आशीर्वाद बहुत जरूरी है। एक एक चक्रा को एक एक ऋषि की अधिपति है, और हम सब कोई ना कोई ऋषि की नेक्स्ट जनरेशन है। कश्यप गोत्र, महाऋषि गोत्र, भरद्वाज गोत्र, ऐसा बहुत सारे लोगों की महर्षि नामों की गोत्र होती है। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ महर्षिस। सो हमारे बीच में जो भी पीढ़ी है, कोई भी जाने अनजाने में नेगेटिव कार्मिक की प्रॉब्लम में फंस गई है और वो हमको अभी पीड़ित कर रहे हैं, उसमें से रिलीव करने के लिए महावतार बाबा जी की ब्लेसिंग्स और सप्त ऋषियों के ब्लेसिंग्स के थ्रू हम ये मेडिटेशन कर रहे हैं। मैं विश्व शक्ति से अनुसंधान हो रही हूं, मैं विश्व शक्ति से अनुसंधान हो रही हूं, मैं विश्व शक्ति से अनुसंधान हो रही हूं।
मूला चैतन्य शक्ति को मेरी पूर्णात्मा से ब्रह्मरंध्र के थ्रू सप्त ऋषियों की आशीर्वाद द्वारा मेरी सेवन चक्रास में हर एक लेयर में हर एक सॉकेट में ले रही हूं। सप्त ऋषियों की आशीर्वाद के थ्रू आपके डीएनए के अंदर हर एक क्रोमोसोम से हर एक डीएनए के मॉलिक्यूल से एवरी एमिनो एसिड में चेंजेस आ रही हैं। Every strand of DNA is absorbing Saptarushi's energies and divine energies and cosmic energy. डीएनए के फर्स्ट स्टैंड पे फर्स्ट स्टैंड के अंदर के 12 लेयरों में एनर्जीज जा रहे हैं। डीएनए के रिपेयर हो रहे हैं। एवरी केमिकल एंड मॉलिक्यूल बैलेंस पे आ रहे हैं। इमेजिन योर डीएनए Imagine your DNA every strand of DNA energy ले रही है। second strand of DNA पे आप energy ले रहे हो। डीएनए के अंदर की एवरी क्रोमोसोम एक्टिव हो रहे हैं। सेकेंड डीएनए के अंदर 12 लेयर्स में
एनर्जीज पास हो रहे हैं, आपकी थर्ड डीएनए अंदर एनर्जीज फ्लो हो रही हैं। थर्ड डीएनए की 12 स्टैंड्स के अंदर, 12 लेयर्स के अंदर एनर्जी फ्लो हो रही है। फोर्थ स्टैंड ऑफ डीएनए पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। 12 लेयर के अंदर एनर्जी फ्लो हो रहे हैं। आपके फोर्थ स्टैंड पे एनर्जीज ट्रांसफर हो रही हैं। 12 लेयर के अंदर कंप्लीट एनर्जीज ट्रांसफर हो रही हैं। फिफ्थ स्टैंड ऑफ डीएनए पे एनर्जीज ट्रांसफर हो रही हैं। फिफ्थ स्टैंड के अंदर 12 लेयर्स एनर्जीज ट्रांसफर हो रही हैं।
यू कैन इमेजिन योर डीएनए. सिक्स्थ लेयर में, सिक्स्थ स्टैंड ऑफ डीएनए में, 12 लेयर्स के अंदर कंप्लीट सप्त ऋषियों की एनर्जीज ट्रांसफर हो रही हैं. धीरे धीरे डीएनए के अंदर अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है. सेवेंथ स्टैंड ऑफ डीएनए, एनर्जी से एब्जॉर्ब कर रहे हैं. एवरी लेयर के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो रहे हैं. एंसेस्टर्स की स्पिरिचुअल नॉलेज एंड लक आपके अंदर धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू हो गई है. एट स्टैंड ऑफ डीएनए के अंदर 12 लेयर्स के अंदर एनर्जीज ट्रांसफर हो रही हैं. आपकी नाइन्थ लेयर पे, नाइन्थ स्टैंड ऑफ डीएनए पे कंप्लीट 12 लेयर्स एक्टिव स्टेट पे आ रहे हैं धीरे धीरे. एवरी स्टैंड के अंदर हर एक जेनरेशन की एंसेस्टर्स की लक इंफॉर्मेशंस टेक्नोलॉजीज एवरीथिंग हमारे अंदर अवेकनिंग स्टेट पे आ रहे हैं. नाइन्थ स्टैंड ऑफ डीएनए पे 12 लेयर्स एनर्जीज एब्सॉर्ब कर रहे हैं. टेंथ स्टैंड ऑफ डीएनए, 10th stand of DNA, energies transfer हो रहे हैं. All the luck from ancestors आपको transformation आ रही हैं. आपके 11th स्टैंड ऑफ डीएनए एक्टिव हो रही है, एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं. एवरी लेयर
लेयर के अंदर एनर्जीज एब्सॉर्ब हो रही हैं सप्तऋषियों से, आपके 11th स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एनर्जी से अब्सॉर्ब कर रहे हैं और पूरी सप्तऋषियों की आशीर्वाद को कंप्लीट डीएनए के 11th स्टैंड पे 12 लेयरों में एनर्जीज एब्सॉर्ब हो रहे हैं। जो 12th स्टैंड ऑफ डीएनए है कॉस्मिक एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी एंड सप्तऋषियों की एनर्जीज को हमारे 12th स्टैंड ऑफ डीएनए में और एक एक स्टैंड के अंदर जो 12 लेयर्स हैं, एवरी लेयर के अंदर हम ट्रांसफर कर रहे हैं डीएनए की रिपेयरिंग अब स्टार्ट हो गई है। कमांड दीजिए, माय डीएनए इज गेटिंग रिपेयर्ड and all my junk DNA, जो spiritual DNA निद्रावस्था में है उसको मैं जागृत कर रहा हूँ। All the informations of my ancestors आपको अभी इसी जन्म में सारे समाचार आपको मिलना चाहिए। बहुत लकी है हम, एक मैजिकल बुक हमको मिली है, एक खजाना जो हमारा पूर्वज ने हमारे लिए रख रखे हैं हमको मिली है।
expand your knowledge and energy by awakening your DNA. हमारा ह्यूमन बॉडी में हजारों मीटर हमारे डीएनए होती हैं। एवरी बॉडी पार्ट में डीएनए एक एक सेकंड में बहुत सारे डीएनए रेप्लिका होके बनती रहती हैं। आपकी हर सोच विचार की वजह कई एमिनो एसिड्स कम रिलीज होना, ज्यादा रिलीज होना, ओके, डीएनए के स्ट्रक्चर्स डैमेज होते रहते हैं। वो सारे हमारा मेडिटेशन में हम इसको रिपेयर कर रहे हैं। सूरज की शक्ति से डीएनए परफेक्ट रेप्लिका होती है। हर एक श्वास के साथ
एक विश्वास रखिए कि आपकी डीएनए रिपेयर हो रही है। आपके स्टार्ट रिपेयरिंग योर डीएनए विद द हेल्प ऑफ डिवाइन पावर एंड कॉस्मिक एनर्जी एंड योर थॉट पावर।
एंसेस्टर्स जो पास्ट 7 जनरेशंस हैं, सब हायर डायमेंशन पे पहुंचना चाहिए। और मदर की साइड, फादर की साइड सारे एंसेस्ट्रों की, पितरों की हमको आशीर्वाद मिल रही है। हमारा बॉडी के अंदर जो भी रोग है, रुग्मत है, तकलीफ है, ये सब उनकी आशीर्वाद के थ्रू धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं। एवरी बॉडी पार्ट के अंदर, एवरी सेल जो यूनिवर्सल एनर्जी से वाइब्रेट होना चाहिए, एंसेस्टर्स की थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स की नहीं, धीरे धीरे स्टेबल योर एनर्जीज, एंड थैंक्स टू ऑल द महर्षिस, सप्त ऋषियों को, सारे महर्षियों को बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारा पूर्वजों को प्रणाम। थैंक यू टू यूनिवर्स फॉर गिविंग अस दिस नॉलेज। मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, सारे एनर्जीज अपने अपनी जगह स्टेबल हो रही हैं। थैंक यू टू पत्री जी, थैंक यू टू महावतार बाबा जी, धीरे धीरे
आपकी दोनों हाथों को आंख के ऊपर रखे,